बागेश्वर धाम की। महाराज जी उसके पहले पंजाब में सब ये बोलते हैं कि निक्कू सरदार होके हिंदुओं के धाम पे गया है। महाराज जी सबको ये बता दो, सब धर्म एक हैं, और जब मैं आपको मिलता हूं आप मेरे को क्या कह के मिलते हो, आप क्या बोलते हो? सब सुन लो, मीडिया वाले सब सुन लो, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, कि महाराज जी सब धर्मों के लिए सांझे हैं, सब सबको सम्मान मिलता है यहाँ पे बालाजी के दरबार में। जब भी हमको निक्कू पाजी मिलते हैं, निक्कू बिट्टू बिट्टा जी, तो जब भी मिलते तब हमारी शुरुआत होती है, बोले सोनिहाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये हमारे बहुत प्यारे हैं, बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हैं, और कोई इनको कहता होगा पता नहीं, पर हम एक बात बोलें, सरदारों की पद्धति में पता नहीं क्या कहते हैं, पर हम तो सरदार भाव, जिनके मस्तक पर टोपी होती है, कश्मीर पगड़ी होती है, जिनके मस्तक पर पगड़ी होती है, तो जब कश्मीरी पंडितों को मारा और भगाया जा रहा था, तब नौवें गुरु साहब, गुरु तेग बहादुर साहब ने ही उन कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और हमारी सनातन धर्म की सेना है सरदार। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। सनातन धर्म के रक्षा के लिए ही पंच प्याले होते हैं, पगड़ी, कृपाण, ये सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पंच प्याले हैं। और ये जो भी कहते हैं उनके मन में मलिनता और उनको बुद्धि की शुद्धि की आवश्यकता है, अपितु सरदार सनातन धर्म के आर्मी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्मी चाहिए, उसी का निर्माण सरदारों का किया गया है, और जो भी ऐसा करते हैं वो विचित्र हैं, इसलिए हम तो यही कहेंगे, बोले सोनिहार। नौवें गुरु ग्रंथ तेग बहादुर साहब, दसवें गुरु गोविंद सिंह, हम इनकी खूब कथा गाते हैं, ये हमारे सनातन का आदर्श है और हमारे सनातन का सौभाग्य है, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने बच्चों की बलिदानी दे दी, लेकिन हाथ में तलवार उठा करके सनातनियों की रक्षा की। महाराज जी पूरे सिख धर्म से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।